नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स, सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर सिक्योरिटी गुड हैबिट्स क्या होती हैं एंड क्यों आवश्यक हैं, यह क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। राइट द गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी सिक्योरिटी हैं जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड मोबाइल डेटा फ्रॉम साइबर क्राइम। मींस कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, ये जो भी डेटा हमारा इसके अंदर स्टोर होता है, जो भी हम फीड करते हैं, क्या ये हमारा सुरक्षित है या नहीं है, किससे? साइबर क्राइम से। तो मींस कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मोबाइल डेटा फ्रॉम साइबर क्राइम। जैसे कि हम मोबाइल भी एक हमारा स्मॉल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, जितनी भी कंप्यूटराइज डिवाइसेस होती हैं, चाहे आपका एटीएम क्यों ना हो, इन सभी में क्या होता है, साइबर क्राइम का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने की जो हैबिट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स बोलते हैं। आजकल हम क्या होते हैं, आजकल बहुत से लोग हैं जो अपना पासवर्ड है वो आप क्यों ना मोबाइल का हो, जीमेल का हो या आपकी इंटरनेट बैंकिंग का हो, बहुत ही सिंपल और आसान पासवर्ड रखते हैं क्योंकि वो भूल ना जाएं, अधिक समय तक वो याद रख सकें। तो इस आसान पासवर्ड रखने के चक्कर में फ्रॉड होना या साइबर क्राइम की चपेट में आना बहुत ज़्यादा आसान होता है। कोई भी इसके लिए लॉगिन कर सकता है और कोई भी आपके साथ आपके डेटा को चुरा सकता है, और आपके लिए यह आसान चीज जो हम अपने याद रखने के लिए बहुत सिंपल टाइप करते हैं कि भूले ना, वो हमारे लिए कई बार काफी नुकसानदायक होती है। तो आजकल क्या है, जैसे कि आप अधिकतर ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो मोबाइल का पासवर्ड है, आप कुछ भी जीमेल या कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो 1234 डाल देते हैं, या किसी भी इंटरनेट कैफे के वाले के पास जाओगे वो आपका कोई भी फॉर्म फिल करेगा, उसमें यदि पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो 1234 5 फिल कर देगा, उसके लिए आप चेंज नहीं करते, जबकि आपको चेंज करना बहुत आवश्यक है। तो मींस ये जो 1234 है ये जनरल नंबर्स हैं जिसके लिए कोई भी टाइप करके आपको सिस्टम पर लॉगिन कर सकता है, आपकी आईडी पर लॉगिन कर सकता है और आपका जो भी डेटा वगैरह है उसको चुरा सकता है। तो ये जो आपकी मोबाइल्स हो गया, एटीएम हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, इन सभी जगहों पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही अच्छी होना बहुत आवश्यक है। और जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, गंदी आदतें होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कभी भी इन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और हम इसके भेंट चढ़ जाते हैं। यू कैन प्रोटेक्टेड योर कंप्यूटर एंड मोबाइल डेटा बाय यूजिंग पासवर्ड एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर। आप अपने कंप्यूटर्स के लिए, मोबाइल्स के डेटा के लिए या आपकी जो भी कंप्यूटराइज डिवाइसेस हैं, इसके डेटा को आप सुरक्षित रख सकते हैं एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाकर, जो लोग सोच भी ना सकें कि ऐसा भी पासवर्ड हो सकता है, स्ट्रांग पासवर्ड, या टाइम टू टाइम अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसको अपडेट करके भी आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी हैबिट्स होना बहुत आवश्यक है, तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो
तो वी कैन मिटिगेट रिस्क एंड इम्प्रूव कंप्यूटर सिक्योरिटी बाय सेवरल थिंग्स, मीन्स हम खतरा को कम कर सकते हैं और सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है बाय यूजिंग स्ट्रांग पासवर्ड। जब भी हम कोई इंटरनेट नेट बैंकिंग की लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होता है, तो जब इसके पासवर्ड की बात आती है, आप अपने सिस्टम में कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको कोई मिसयूज ना करें, वहाँ पे यदि हम एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाते हैं, स्ट्रांग पासवर्ड रखते हैं, तो नॉर्मली लोग उसको एक्सेस या ओपन नहीं कर पाएंगे। तो हम पासवर्ड बनाकर भी अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंड है वाई इंस्टॉलिंग ऑल ऑफ द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। हम जो भी कई बार हम मोबाइल में देखते हैं अपडेट योर सॉफ्टवेयर न्यू वर्जन अवेलेबल, तो यदि सिमिलर हमारा जो कंप्यूटर है या जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, यदि इसको हम समय समय पर इंस्टॉल करते रहें, अपडेट करते रहें, तो भी हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। इसके बाद थर्ड थिंग से बाय यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, मीन्स 2FA का उपयोग करके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस होता है, इसका उपयोग करके भी हम अपने डेटा के लिए, अपने कंप्यूटर्स के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। फोर्थ, नेवर रन और डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कभी भी हमें अपने कंप्यूटर्स में, अपने मोबाइल्स पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर को रन नहीं करना चाहिए, चलाना नहीं चाहिए, साथ ही डाउनलोड नहीं करना चाहिए, तो इससे भी हमारा जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर की वो अच्छी रहेगी और कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन यूजिंग वाईफाई कम्युनिकेट अवर अ सिक्योर। ठीक, तो इसका उपयोग करके हम जब भी वाईफाई का यूज करते हैं, जब भी कम्युनिकेट करते हैं, तो WPA का यूज करके वाईफाई आपका जो होता है ऑथेंटिकेशंस, इसका उपयोग करेंगे तो हम अपने कंप्यूटर्स के डेटा के लिए क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।